हेलो, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर। आज हम बात करेंगे सोडियम की, सॉल्ट की, नमक की, लो सोडियम डाइट की। और सोडियम अगर आपके खून में ज्यादा हो जाए, हाई सोडियम जिसे हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं उससे क्या होता है, सोडियम अगर कम हो जाए हाइपोनेट्रीमिया उससे क्या होता है, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ऐसे पेशेंट्स को नमक खाने को कम क्यों बोला जाता है, नमक ज्यादा खाने से क्या होगा, कम खाने से क्या होगा, कितना आपको खाना चाहिए, कॉमन सॉल्ट अच्छा है या लो सोडियम सॉल्ट अच्छा है, इन सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे डॉक्टर एजुकेशन में आपके साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो दोस्तों, सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जो आपके शरीर को चाहिए अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। आपका शरीर सोडियम की मदद से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, ब्लड वॉल्यूम कंट्रोल करता है। आपको सोडियम चाहिए मसल्स और आपकी नर्व्स जो हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए भी सोडियम बहुत जरूरी है। तो सोडियम नॉर्मली आपके शरीर को बहुत सारी जगहों से मिलता है। डाइट में मोस्ट नेचुरल फूड्स के अंदर सोडियम है, लेकिन सबसे कॉमनली आप सोडियम खाते हैं कॉमन सॉल्ट के अंदर, सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड के अलावा सोडियम और भी फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसमें एमएससी कहते हैं, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम सैचरीन, ऐसे बहुत सारी चीजों से आपको सोडियम मिलता है। लेकिन सोडियम की रिक्वायरमेंट आपके शरीर में लिमिटेड है। पूरे दिन में, एक दिन में आपको सोडियम मिलीग्राम्स में यानी 2300 मिलीग्राम तक सोडियम खाना चाहिए एक हेल्दी एडल्ट को। और अगर आपको, मान लीजिए, लो सोडियम डाइट के लिए एडवाइस किया है क्योंकि आपको हार्ट प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, तो आपको 1500 मिलीग्राम सोडियम खाना चाहिए दिन भर में। और एक बात दोस्तों जानना जरूरी है, जो कॉमन सॉल्ट होता है, नमक है, उसमें 40% सोडियम है, 40% उसका सोडियम है। और जो लो सोडियम सॉल्ट होते हैं उनमें सोडियम का परसेंटेज कम करके पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाता है। तो उसमें सोडियम है कम है और पोटेशियम ज्यादा है। अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग लेवल बताएंगे, तो उसमें 40 नहीं होगा, 20 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 30 होगा। तो अलग अलग ब्रांड में अलग अलग लेवल होगा। इसके अलावा जहां जहां से आपको सोडियम मिल सकता है, आपको सोडियम मिल सकता है सोया सॉस से, अनियन सॉल्ट, गार्लिक सॉल्ट, आपके बीट्स, मिल्क, सेलरी, इन सब में, इवन पानी में, पीने के पानी में सोडियम होता है अलग अलग लेवल से। आप डिपेंड करता है वो सोर्स कहाँ का है, उसके अकॉर्डिंग उस पीने के पानी में भी सोडियम मौजूद है। इसके अलावा जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड मीट है या फूड है, उन सब में सोडियम ज्यादा है। जितने फास्ट फूड है, जितने भी जंक फूड कहते हैं, फास्ट फूड कहते हैं, बेक फ्राइड चीजें, इन सब में सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा, हाई सोडियम होता है। सोडियम से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? टू मच सोडियम, अगर आपके डाइट में बहुत ज्यादा सोडियम है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही, क्योंकि नॉर्मली आपकी किडनी उस हाई सोडियम को बैलेंस कर लेती है, आपके बॉडी से सोडियम एक्सक्रीट कर लेती है, तो किडनी पे जोर जरूर पड़ता है। लेकिन कई लोगों में हाई सोडियम भी मैनेज हो जाता है, लेकिन उन केस में भी हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ऑलरेडी किडनी, लिवर या हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर है, तो हाई सोडियम आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जहां सोडियम जाएगा, जहां नमक जाएगा, वहां पर पानी आएगा। सो जहां सोडियम जाएगा वहां पानी जाएगा का मतलब यह है, हाई सोडियम का मतलब आपके खून में भी पानी ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा पानी, ज्यादा वॉल्यूम आपके हार्ट, लिवर, किडनी पे ओवरलोड करेगा। सो ऑलरेडी अगर आपका हार्ट, लिवर, किडनी फेल हो रहे हैं तो हाई सोडियम, हाई वॉल्यूम आपके इन चीजों के लिए अच्छे नहीं है, बुरे हैं। तो हाई सोडियम हाइपरनेट्रीमिया के ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आपको, सॉरी,
अगर आपको हार्ट, लिवर, किडनी का प्रॉब्लम्स है और आपके डॉक्टर ने आपको लो सोडियम बोल रखा है, तो जितनी भी चीजें हमने बताई वो सब आपको अवॉइड करनी है जिनमें हाई सोडियम है, जिसमें हाई सॉल्ट है, नमक कम करना है डाइट में। उस सिचुएशन में अगर आपको डॉक्टर ने कहा है लो सोडियम खाने के लिए, तो उस सिचुएशन में लो सोडियम सॉल्ट आपके लिए अच्छा है। लेकिन एक इंसान को परिवार में अगर लो सोडियम खाने के लिए कहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबके लिए अच्छा है, इस बात का ध्यान रखिए। सो अगर सोडियम आपके शरीर में कम हो जाए तो क्या होगा? अगर आप नॉर्मल है फिर भी लो सोडियम खाते हैं, या और भी कई रीजंस हैं जिसके वजह से सोडियम आपके शरीर में कम हो सकता है, वो अभी देखेंगे। सो अगर आप नॉर्मल हैं फिर भी सोडियम कम खाते हैं, नमक कम खाते हैं, तो क्या होगा? पहले ये समझते हैं आपके शरीर में नमक जो कम हो सकता है, सोडियम कम हो सकता है, जिसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। सोडियम आपके शरीर से डाइट के अलावा और भी कारणों से कम हो सकता है, जैसे कि अगर आपको डायरिया हो जाए, लूज मोशन हो जाए, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, अगर आप डायूरेटिक यानी पेशाब ज्यादा आने वाली दवाएं लेते हैं, यदि आपको लिवर, किडनी, हार्ट फेलियर है, या आपको बर्न्स हो गए हैं, जल गई है, शरीर जल गया है कई लार्ज बड़ी जगह से, तो भी सोडियम कम हो सकता है। सो कम सोडियम से क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों जहां सोडियम जाएगा वहां पानी जाएगा। अगर सोडियम कम होगा तो ब्लड में से पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और पानी निकलने की कोशिश करेगा तो आसपास के जो सेल्स हैं उनमें चला जाएगा और सेल्स फूल जाएंगे। सेल्स जब फूलते हैं तो प्रॉब्लम करते हैं, खास करके अगर आपके ब्रेन के सेल्स फूलते हैं। आपके ब्रेन के सेल्स जो हैं बहुत सेंसिटिव हैं, थोड़ी सी भी स्वेलिंग होती है तो आपको सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके ब्रेन के सेल्स में सूजन आनी शुरू हो जाएगी लो सोडियम की वजह से, तो आपको कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस हो सकता है, थकान हो सकती है, आपको भूख कम लग सकती है, मसल्स में दर्द हो सकता है, स्पाज़म, क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपको उल्टी आ सकती है और सोडियम कम हो जाएगा उल्टी से, आपको इवन कन्वर्जन्स हो सकते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो सोडियम दोस्तों आपके डॉक्टर पता कर सकते हैं ब्लड टेस्ट करके कि आपके ब्लड में सोडियम कितना है, उससे पता चल जाएगा कि दिक्कत है नहीं है सोडियम के वजह से। और ट्रीटमेंट के लिए सोडियम को ऑब्वियसली आपको ग्लूकोज जैसे सलाइन जो बोलते हैं नॉर्मल सलाइन फ्लूइड्स वो दिए जाते हैं, कभी कभी हाई सोडियम कॉन्सेंट्रेट हाइपरटोनिक सलाइन जिसे कहते हैं वो दिए जाते हैं। सो कभी कभी दवाइयां देनी पड़ती हैं आपके सिम्टम्स को रिलीफ करने के लिए, और पानी कम करना पड़ता है आपके डाइट में अगर आप सोडियम भी कम है आपके शरीर में। तो दोस्तों सोडियम लो हो बॉडी के अंदर तो वो खतरनाक भी हो सकता है, खासकर अगर वो एक्यूटली डेवलप हुआ। एक्यूट का मतलब सिर्फ अगर 24-48 घंटे के अंदर आपके शरीर का सोडियम एकदम गिरता गया है किसी ऊपर बताए गए कारणों के वजह से, तो क्या होगा? उसे एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। ऐसे सिचुएशन में ब्रेन के सेल्स तुरंत फूल रहे हैं, तो इतनी जल्दी फूलेंगे तो आपको दिक्कत ज्यादा हो सकती है, आप बेहोश भी हो सकते हैं, आपको कोमा में जा सकते हैं, आपका ब्रेन हर्निएट होकर आपकी मौत हो सकती है। इसलिए लो सोडियम भी खतरनाक चीज है। हाँ, अगर लो सोडियम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है कुछ हफ्तों में, महीनों में या दिनों में, तो वो एक तरीके से ज्यादा खतरनाक नहीं है, उसे हम क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, क्योंकि उसमें आपके दिमाग को, आपके दिमाग के सेल्स को टाइम मिल जाता है एडजस्ट करने का, तो स्वेलिंग आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है और स्वेलिंग मिनिमल होती है और दिक्कत भी कम होती है, लेकिन फिर भी आपको सिम्टम्स हो सकते हैं। तो लो सोडियम डाइट हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ उसके लिए है जिसे रेकमेंड की गई है डॉक्टर ने। सो ऐसी चीजों से दूर रहें जिन्हें लो सोडियम बोला गया है या हाई सोडियम है, जंक फूड है, नॉर्मल अमाउंट सोडियम लेना है शरीर के अंदर, और डॉक्टर से बात करिए अगर आपको लो सोडियम डाइट की जरूरत है। तो दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं इस टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे, हमें जरूर लिखिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसी बातें और जान सकें। और कई और वीडियोस हैं हमने ऑलरेडी बनाए हुए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो इन सब वीडियोस को जरूर देखिए, ये आप ही के लिए बनाए हैं और बहुत सरल भाषा में अच्छी तरह समझाए गए हैं, बिल्कुल अपडेटेड मेडिकल नॉलेज है। ये सारी बातें जो मैं आपको बताता हूँ ये इंटरनेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ US उससे रेफरेंस्ड है, तो ये सब सिर्फ अपने लेवल पे नहीं, मैं स्टैंडर्ड चीजें बता रहा हूं, तो इन सब चीजों को आप बिल्कुल आराम से अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं और बेझिझक
किसी और को भी रेकमेंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन।